अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग आज? आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपको बता दूं, ये जो प्लांट्स हैं इनके जो पॉट्स हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनको कलर किया जाए और अच्छे लगते हैं इनके अगर पॉट्स डिफरेंट कलर्स में हों। बट मुझे जो है ना, क्या कहते हैं, ब्लैक कलर आज मिला था और जो इजीली अवेलेबल था मेरे नियरेस्ट शॉप पे, तो मैं वो लेकर आ गया हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आज इनको, जो मेरे पेट्स हैं उनको कॉर्न देने हैं, तो मैं ये ले आया था मार्केट से जो कि इजीली अवेलेबल थे। और ये देखिए कॉर्न मैं आज इनको सर्व करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला ये आज कॉर्न खाएँगे मेरे बर्ड्स। और पानी वगैरह मैंने इनका चेंज कर दिया था रूटीन के मुताबिक। तो आइए चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, उसके साथ साथ मुझे कुछ कलर्स वगैरह भी चाहिए थे। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। चलें जी, ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से हम जो चीज़ें चाहिए थी ले चुके हैं। अब चलते हैं हम कैश काउंटर की जानिब, और चूँकि जो हमने लिया है उसका हमें जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। और ये देखें, जो सामान हम ले चुके हैं वो एक तरफ हो गया है, बिल की अदायगी हो चुकी है। अब यहाँ से हम चलेंगे घर की तरफ सीधा। और ये देखें, रास्ते में घर की तरफ जब मैं जा रहा था तो मुझे एक नन्ना मेहमान मिला था, बड़ा ज़बरदस्त, ये बंदर का बच्चा है जो कि बहुत ही क्यूट था। और मैंने रास्ते में देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं रुका और वहीं पर ये एक सेब वाला खड़ा था, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा ये एक सेब लेके उसको दिया जाए। तो वैसे तो ये जिनका मालिक है इन्होंने बताया कि खा लेते हैं, लेकिन ये सेब थोड़ा सा बड़ा है और ये क्योंकि बेबी मंकी है तो ये खा नहीं पाएंगे, तो वो साथ अपने ले गया था कि काट के बाद में देंगे। तो जनाब ये देखें, अब आ गए हैं हम घर, और ये जो ग्रॉसरी हमने की थी ये सारी मैं ला चुका हूँ। और ये देखें, जुर्माना भी लगा था मुझे उसका, जो कि मुझे अदा करना पड़ा था अनफॉर्चुनेटली। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये कुछ ग्रॉसरी जो मैंने की थी उसके साथ कुछ टोमेटो वगैरह लिए थे, और ये देखें एक स्टैंड भी लिया था मैंने, स्पून होल्डर है बेसिकली वॉल हैंगिंग, और ये टोमेटोज़ हैं कुछ जो मुझे चाहिए थे। अच्छा, यहाँ देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं जो कलर लेने गया था वो भी मैं ला चुका हूँ, ब्लैक कलर का है जो कि है ऑयल पेंट। और ये देखिए, ऑयल पेंट की दो मैं जरा बॉटल्स ले आया था, और ये मेरे हाथ में ब्रश भी है एक अदद जो कि हम इससे पेंट करने वाले हैं, और साथ ही इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए कलर को मिट्टी का तेल था। इमानी क्या खा रही हैं?
फ्रेंच टोस्ट आपको अच्छे लगते हैं? अच्छा, यहाँ हमारी चाय तैयार है अब, और चाय के साथ हम बिस्किट खा रहे हैं। और जैसे ही हमारी चाय फिनिश होती है तो हम चलेंगे अब कलर की तरफ, जो कि हम पॉट्स पे करेंगे। तो यहाँ हम कलर हमारा रेडी है करने के लिए, और कलर के अंदर मैंने जो इसको थोड़ा पतला करने के लिए मिट्टी का तेल लिया था वो हम इसमें ऐड कर चुके हैं, मेरे मुताबिक हो चुका है। और आइए कलर को अब करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये देखें, एक ये कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कलर्ड हो चुका है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे बच्चे भी मुझसे फरमाइश करने लगे हैं कि उन्हें भी ट्राई करनी है। तो यकीनन ये देखें, मैं सबको एक मौका दूंगा थोड़ा थोड़ा सा करने का, ताकि इनको सीखने को भी मिले, एक्सपीरियंस हो और इनका इंटरेस्ट लेवल मज़ीद डिवेलप हो। तो आइए, हाँ, तमाम बच्चों से थोड़ा थोड़ा मैं, आप देखेंगे अभी करवाऊँगा भी और इसको कम्प्लीट भी करते हैं। ओके व्यूअर्स, आज की एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पॉट्स आर कलर्ड। इंशाल्लाह ताला वेरी सून नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।